Namaskar. Today I will demonstrate and explain how to practice Halasana. Plow pose Hal. Hal says Kadam and Halasana. Plow pose is also an advanced form of asana. 8 counts में आसनों करना है श्वास के साथ और ये आसन करने के पहले हमारा जानना जरूरी है कि ये आसन किस प्रकार के लोगों को नहीं करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. अगेन इट इज एडवांस फॉर्म ऑफ आसन जिनको हाई ब्लड प्रेशर हार्ट की प्रॉब्लम्स हो स्पाइन में किसी प्रकार की तकलीफ हो इनको ये अभ्यास बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए. इनके शरीर फ्रैक्चर है बच्चों के लिए युवाओं के लिए यह आसन बहुत उपयोगी आसन है. अभी आइए जानते हैं किस तरह से अभ्यास करना है. इट ऑल्सो सुपाइन कल्चरल पोज काउंट्स 8 काउंट्स में अभ्यास करना है. दृढ़ मिला स्त्री हदली आस्पेक्ट की चेहरे से जुड़ा स्त्री सर्वांग सॉरी हलासन लापोस एक ब्रिंग द लेग्स 45 डिग्री दो ब्रिंग इट 90 विद कंप्लीट इनहेलेशन हाथों को बगल पे ला के रखें. त्रिणी रेज योर हिप्स ऑफ bring the legs pretty ground three exhale completely chatwari try to touch the toes above the head on the ground final position mein श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखते हुए रुकना है. पंच ब्रिंग द लेग्स पेटी ग्राउंड षड ब्रिंग द लेग्स 90 डिग्री एलिवेशन सप्त ब्रिंग द लेग्स 45 डिग्री बदल आप जे एक्सहेल वेरी स्लोली अष्ट रिलीज द लेग्स hands and do savasana. यह अभ्यास लगभग बहुत सारे लोगों को बहुत होता नहीं इस स्लोनेस के साथ फाइनल पोजिशन में जाने को होता नहीं है. ध्यान रखें जिनको बिल्कुल यह आसन लेकिन यही तरीका है जो सही तरीका करने का यदि किसी को बिल्कुल नहीं हो रहा है वो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं. ध्यान से कीजिए बिल्कुल नहीं आ रहा है लेग्स पीछे तो इस तरह ट्राई कर सकते हैं. फोर्सफुली सामने की ओर जाना है फिर फोर्स लगा के पीछे उठा रहा है और हाथों को पीछे सपोर्ट कर देना है फिर धीरे धीरे जितना हो सकता है लेग्स को पीछे लेके जाना है. इस तरह अभ्यास कर सकते हैं हलासन. हलासन डायबिटीज आस्थमा कॉफ्स वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है. इट ब्रिंग्स हाईली फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द स्पाइन स्पाइन को पूरी तरह से फ्लेक्चुअल बनाता है पेट अंदर करता है और इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस. थैंक यू धन्यवाद.